स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हमको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट्स कैसे निकालने हैं। तो आज हम जो केस डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम विद पॉइंट लोड एट द सेंटर ऑफ द स्पान। ठीक है, तो मेरी एक सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगी, उसके सेंटर ऑफ द स्पान पर मेरे को एक पॉइंट लोड मिलेगा। ओके, तो क्वेश्चन आपको कैसे मिलते हैं? क्वेश्चन मिलते हैं, कैलकुलेट शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट फॉर द बीम शोन इन फिगर, ऑल्सो ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, जब भी मुझे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो मुझे ध्यान देने वाली बात यह है कि मुझे शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स को भी ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके एक सपोर्ट हिंज है और दूसरा सपोर्ट रोलर है। बीच में एक 10 kN का सेंटर पर लोड लगा हुआ है जो कि पॉइंट लोड है। 5 मीटर की बीम है, 2.5 मीटर पर लोड है, तो इसलिए वो सेंटर ऑफ द स्पान पे है। तो अब मैं बात करता हूँ, लिखा है एज ए गिवन बीम इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम, देयरफॉर रिएक्शन एट सपोर्ट ए एंड बी विल बी आर ए एंड आर बी रिस्पेक्टिवली। हमको पता है कि जब भी हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करते हैं तो उसके जो एंड सपोर्ट्स होते हैं वहाँ पर हमको रिएक्शंस मिलती हैं। अब क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल लोड है तो हमको सिर्फ वर्टिकल रिएक्शंस मिलेंगे, जिसको मैंने नाम दे दिया आर ए एंड आर बी रिस्पेक्टिवली। तो अब मैंने दोबारा अपने बीम को ड्रॉ करा तो उसको मैं ड्रॉ करने पे मैंने एक आर ए दिया है, एक आर बी दिया है, दोनों सपोर्ट्स पे 10 kN का लोड दिया है जो कि सेंटर ऑफ द स्पान पे है। 2.5 की डिस्टेंस है सपोर्ट से लोड की। तो स्टेप वन पे हमको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन फोर्सेस आर ए एंड आर बी, जो भी रिएक्शन फोर्स हैं आर ए और आर बी हमको उसको निकालना है। तो इसके लिए सबसे बड़ी पहली प्रोसीजर क्या होती है, सबसे पहली प्रोसीजर होती है कि रिएक्शन फोर्सेस का जो सम होता है, ठीक है, अब यहाँ पर रिएक्शन फोर्सेस कितने हैं आर ए और आर बी है, तो रिएक्शन फोर्सेस का जो सम होता है आर ए एंड आर बी वो किसके बराबर होता है, जो भी लोड मेरी बीम के ऊपर लग रहा होता है, जो भी अप्लाइड लोड होता है। तो सम ऑफ रिएक्शन फोर्सेस इक्वल्स टू टोटल अप्लाइड लोड। ओके, तो सम ऑफ रिएक्शन फोर्सेस इक्वल्स टू टोटल अप्लाइड लोड को हम लिखते हैं फॉर्मूले के फॉर्म में तो कैसा होगा, टोटल सम ऑफ रिएक्शन फोर्सेस आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू टोटल अप्लाइड लोड, कितना लोड लग रहा है तो मेरी बीम के ऊपर 10, दैट्स वाई आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 10 kN, और ये नंबर 1 दे देते हैं। अब आर ए निकालना है तो आर ए निकालने के लिए मुझे क्या करना है, बी पॉइंट के अबाउट मुझे मोमेंट कंसिडर करना है। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स यहाँ पर कितने हैं, तीन तरह के फोर्स हैं मेरे पास, तीनों वर्टिकल फोर्स हैं आर ए, 10 kN और आर बी, इन तीनों का मुझे मोमेंट देखना है कहाँ पर, बी पॉइंट पर। ठीक है, तो जैसे आर ए है इसका फोर्स हो गया आर ए मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बी तक इसकी डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर। सिमिलरली 10 है, 10 की डिस्टेंस कितनी है बी तक 2.5, और आर बी की बी तक डिस्टेंस क्या है 0। ठीक है, तो दैट्स वाई आर बी वाला टर्म मेरे को 0 मिलेगा। तो इसी को मैं जब यहाँ पे लिखूँगा तो तुम देखोगे साइन कन्वेंशन आपको पता है, क्लॉक वाइज मोमेंट हम पॉजिटिव लेते हैं और एंटी क्लॉक वाइज नेगेटिव लेते हैं। तो मैंने बी के अबाउट मोमेंट 0 लिया तो मुझे क्या मिल रहा है, देखिए आर ए मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 10 क्रॉस 2.5। ठीक, तो आर ए इंटू 5, मैंने जैसे पहले बताया आर ए की डिस्टेंस बी तक है 5 और 10 की डिस्टेंस है 2.5। आर ए जो है मेरा बी के अबाउट कैसा मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, क्लॉकवाइज मेरी बीम इस तरीके से रोटेट होगी, और जो 10 है वो मेरी बी के अबाउट कैसा मोमेंट रोटेट करेगा, इस तरीके का, तो मेरी एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो आर ए इक्वल्स टू 225/5 इक्वल्स टू 5 kN। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ आर ए, तो आर ए की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में रखता हूँ, जो मैंने आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 10 लिया था, मैं यहाँ पे इक्वेशन पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 10, तो यहाँ से आर बी की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 5 kN। अब तुम देखो कि दोनों ही रिएक्शन फोर्सेस के सामने एक अपवर्ड एरो बना हुआ है। अपवर्ड एरो क्या है कि मैंने आर ए और आर बी की जो साइन कन्वेंशन में मैंने कंसिडर करा था डायरेक्शन वो अपवर्ड था, तो इसलिए मैंने उनको पॉजिटिव लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर आर ए की वैल्यू भी पॉजिटिव है और आर बी की पॉजिटिव, इसलिए मैंने इनको एरो दिया है, ये अपवर्ड फोर्सेस है। ठीक है, शेयर फोर्सेस एंड बेंडिंग मोमेंट, स्टेप 2 होता है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट निकालना। तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट सेक्शंस हैव बीन कंसीडर ऑन स्पान। जैसे कि मैंने बताया था, जब मैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन भी बता रहा था कि जब मुझे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना होता है तो मुझे अपने बीम, जो भी बीम का स्पान है, बीम के स्पान पे मेरे को सेक्शंस को कट करना पड़ता है। ठीक है, फिर सेक्शन के टू द लेफ्ट या टू द राइट किसी भी एक पार्ट को हम स्टडी करते हैं और शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, मैंने इस पूरी बीम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था, ए बी और जहाँ पर लोड लग रहा था सी। ठीक है, तो 2 पार्ट में डिवाइड करा, सॉरी, तो ए सी एंड सी बी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए सी वाले पार्ट पे सेक्शन एक कट करता हूँ। वही लिखा है मैंने, लेट कंसीडर ए सेक्शन एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट ए इन द ए सी पोर्शन।
सेक्शन है उसकी डिस्टेंस लेफ्ट हैंड सपोर्ट से एक्स है, ये एक्स कहाँ यूज़ होगा, बेंडिंग मोमेंट निकालने में। शियर फोर्स में इस एक्स का कोई काम नहीं है, बस जब हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तब, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट में हमको रिएक्ट डिस्टेंसेस यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर एक्स होगा। तो 2.5 मीटर है मेरा टेन का। इसको अगर मैं बीम को और थोड़ा सा सॉल्व देखता हूँ तो कैसे बना सकता हूँ, बीम को बना सकता हूँ ए सी, ठीक है। यहाँ पर मेरा सेक्शन है, ये सीधा जहाँ पर 10 kN का लोड लग रहा है। अब ये एक बात ध्यान देना है, यहाँ पे जो मैंने सेक्शन कट करा है वो एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स है, कहाँ से, ए से। तो इसका मतलब एक्स क्या है, एक वेरिएबल है, और एक्स वेरिएबल है तो ये तुम्हारे ए से लेके सी के बीच में कहीं पर भी वेरी कर सकता है, क्योंकि सेक्शन मैंने कहाँ लिया था, ए सी पोर्शन पे, ठीक है। तो ए सी पोर्शन पे ये ए से लेके सी तक कहीं पर भी वेरी कर सकता है। तो यहाँ पर आपकी डिस्टेंस इन दोनों के बीच की क्या होगी, ए से सी तक की डिस्टेंस आपको पता है 2.5 मीटर है, ठीक है। सेक्शन तक डिस्टेंस एक्स है, तो ए पर मैं बोलूँ तो मेरी डिस्टेंस 0 है और टू सी पर मेरी डिस्टेंस है 2.5, ठीक है। ये डायग्राम समझ में आ गया आपको। इसके बाद हम देखते हैं शियर फोर्स। शियर फोर्स में लिखा है आपको, शियर फोर्स निकालता हूँ सबसे पहले। तो शियर फोर्स की डेफिनेशन होती थी एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द सेक्शन। तो मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूँ, तो एफ एक्स टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल द फोर्सेस। तो एल्जेब्रिक सम मतलब, अब तुम लेफ्ट साइड में देखो, इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में तुम्हें क्या देखना है, सिर्फ लेफ्ट साइड देखना है, तुम्हें ये वाला सेक्शन देखना है लेफ्ट साइड का जो है, वहाँ पर तुम्हें सिर्फ क्या मिल रहा है, एक 5 kN का ही लोड है, ठीक है। और ये 5 kN का लोड क्या कर रहा है, मेरे राइट वाले पोर्शन के रिस्पेक्ट में लेफ्ट वाले पोर्शन को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, जैसा कि मैंने साइन कन्वेंशन अपने पिछले वीडियो में देखा था शियर फोर्स के लिए, कि अगर मेरे राइट वाले पोर्शन के रिस्पेक्ट में लेफ्ट वाला पोर्शन ऊपर जाता है तो मैं उसको कहता हूँ दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट देख लेते हैं इसी सेक्शन के लिए। तो बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब मुझे बेंडिंग मोमेंट कहाँ देखना है, सेक्शन पे देखना है, ठीक है, किसका, लेफ्ट साइड वाले पोर्शन का। तो लेफ्ट साइड वाले पोर्शन में मैंने अभी देखा कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक 5 kN का फोर्स है, तो 5 की डिस्टेंस मेरी सेक्शन तक कितनी है, एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 5x। अब पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये सेक्शन के अबाउट ये फोर्स क्या करेगा, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, इसलिए 5x। इसकी यूनिट होती है kN m। अब मैंने जैसे पहले ही बोला कि ये सेक्शन कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, ये वेरी कर सकता है ए से सी के बीच में कहीं पर भी, है ना, क्योंकि ये एक्स है जो कि एक वेरिएबल है, तो ये 0 से 2.5 के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। तो इसलिए एक्स की जो वैल्यू रखूँगा मैं यहाँ पे, क्या रखूँगा, 0 to 2.5, ओके। तो जब मैं 0 रखता हूँ तो 0 मिलता है, 2.5 रखता हूँ तो 12.5 kN मुझे मिलता है। तो ये मेरे ए सी स्पान के लिए शियर फोर्स और मेरे बेंडिंग मोमेंट्स की मुझे वैल्यूज़ मिल जाती हैं। अब सी बी पोर्शन पर चलता हूँ, मेरा जो ये पोर्शन सी बी था, तो अब इसके लिए मैं एक सेक्शन कट करूँगा। पर तुम ध्यान हमको क्या देना है कि मैं भले सी बी पोर्शन पर सेक्शन कट कर रहा हूँ, पर उसकी डिस्टेंस जो एक्स है वो हमको हमेशा लेफ्ट हैंड सपोर्ट से लेनी है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड सपोर्ट आपका ए था, जैसे मैंने पिछले केस में भी डिस्टेंस एक्स कहाँ से ली थी, लेफ्ट हैंड सपोर्ट से ली थी, वैसे ही आपको यहाँ पर भी डिस्टेंस आपके लेफ्ट हैंड सपोर्ट से लेनी है। तो 10 kN का लोड है यहाँ पर। अब पिछली बार क्या था कि 10 kN मेरे स्टडी में नहीं आ रहा था, पर अब 10 kN मेरे स्टडी में आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली हम क्या करते हैं, सबसे पहले शियर फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। तो शियर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो तुम्हारे पास 5 kN जो रिएक्शन फोर्स है वो है, और वो क्या कर रहा है, मेरे राइट वाले पोर्शन के रिस्पेक्ट में लेफ्ट वाले पोर्शन को ऊपर पुश कर रहा है, तो इसलिए शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिखी। माइनस टेन जो लग रही है, क्या कर रहा है, मेरे राइट वाले पोर्शन के रिस्पेक्ट में मेरे लेफ्ट वाले पोर्शन को नीचे की तरफ पुश कर रहा है, इसलिए वो नेगेटिव होगा शियर फोर्स की साइन कन्वेंशन के हिसाब से, इसलिए -10। तो इन दोनों का सम मेरा कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम करूंगा तो मुझे आएगा -5 kN। अब सिमिलरली इस सेक्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं, तो mx इक्वल्स टू, अब तुम्हें हर फोर्सेस को इस सेक्शन तक देखना है कि उसका मोमेंट क्या होगा। तो पहला फोर्स है 5, 5 की डिस्टेंस होगी आपकी x, तो ये हो जाएगा 5x। 10, 10 की डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ तक x माइनस 2.5 कैसे आई, x माइनस 2.5 आई, टोटल x था सेक्शन तक में, और उसमें मैंने ये 2.5 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये मेरे को x माइनस 2.5 की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दी x माइनस 2.5। प्लस 5x पॉजिटिव है क्योंकि ये क्लॉक वाइज है, और -10 x माइनस 2.5 नेगेटिव है क्योंकि ये एंटी क्लॉक वाइज है। तो यहाँ x वेरी क्या करेगा, पिछली बार मैंने देखा था x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा था, 0 से 2.5 तक वेरी कर रहा था। तो अब मेरा x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 2.5 से लेके 5 तक, ठीक है। पिछली बार मैंने 0 से 2.5 देख लिया, अब 2.5 से मुझे 5 देखना है। तो जब 2.5 से मैं 5 देखता हूँ तो m 2.5 डालूंगा तो 12.5 आएगा, और जब m की वैल्यू 5 मीटर पे देखूंगा तो 25 माइनस 10, 5 माइनस 2.5, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास
एसी सेक्शन के लिए भी दोनों आ गई थी और मेरे पास सीबी सेक्शन के लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, अब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं। तो ये मेरी बीम है और इसमें शियर फोर्स मेरे ए पे से लेके मेरे लोड तक कितना था, 5 किलो न्यूटन था। ठीक है, एसी पोर्शन के लिए ये था 5 किलो न्यूटन, तो इसलिए एसी पोर्शन के लिए मैंने यहाँ पे 5 किलो न्यूटन किया था मैंने। इसके बाद सीबी पोर्शन के लिए था -5। ठीक है, ये -5 था, तो यहाँ पर मैंने इसको -5 से मैंने पॉजिटिव से नेगेटिव में गया, वैल्यू सेम है -5 के लिए यहाँ पे ड्रॉ करा। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट में आपको ध्यान क्या देना है, बेंडिंग मोमेंट की जो भी इक्वेशन बनी थी आप देखिए, यहाँ पे 5x थी, यहाँ पर आपकी 5x -10x -25 थी, ये सब में एक सिंगल डिग्री ऑफ वेरिएबल था ना, एक्स 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 की डिग्री क्या थी, सिंगल थी, कोई भी मतलब क्वाड्रेट नहीं थी वो, तो सिंगल डिग्री की थी। तो मुझे पता, जब भी एक्स की वैल्यू वेरिएबल है और उसकी सिंगल डिग्री है तो मेरे को एक लाइन कैसी बनती है, लीनियर वेरिंग लाइन मेरे को मिलती है। तो मैं वैल्यू रखता हूँ जब एम इक्वल्स टू 0 था, मतलब एट ए, ए पर 0 थी, बी पर मेरी कितनी, सी पर मेरी कितनी थी, 12.5 है ना, 2.5 पे, तो मैंने 12.5 तक ले गया। अब यहाँ पर देखोगे तो 2.5 पे फिर से मेरे को 12.5 ही मिली थी, तो ये 12.5 है, और उसके बाद 5 मीटर पर आता हूँ तो मुझे कितनी मिलती है, 0। ठीक है, तो ये आपका क्या मिल गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमको अगर एक ही सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर दो पॉइंट लोड हैं तो उसको हम के लिए हमको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालना है।